अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। चले जी, नए दिन का आगाज़ सर करते हैं नाश्ते के साथ, और नाश्ते में आमलेट चाय टोस्ट। ठीक है जी, फिर आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नाश्ते के बाद इरादा हो गया कि आज खाना बाहर खाते हैं, तो मूड हुआ चाइनीज़ का, तो सोचा कहीं चाइनीज़ पर चलते हैं। तो फिर यहाँ पर है एक हलाल चाइनीज़, तो सोचा वहाँ चला जाए। मौसम भी अच्छा था, ब्यूटीफुल वेदर था, तो निकल पड़े। ये है हुनान विलेज, हलाल चाइनीज़ है ये। तो हम लोग फिर यहाँ चले गए कि यहाँ पे अपने फूड को करते हैं एंजॉय। छोटी सी ग्रोसरी जो इमरजेंसी में मैं लाई हूँ, थोड़ी सी लाई हूँ अभी, क्योंकि अभी इमरजेंसी में चाहिए थी ग्रोसरी, अभी करनी है वो, इंशाल्लाह कल या परसों जाऊँगी। तो अभी ये बस ये दूध के 2 बॉटल्स लाई थी। ठीक है जी, 2% मिल्क, ये एग। एग वैसे मैं पिंक पैकिंग में होते हैं, लार्ज एग वो लेती हूँ मैं, वो थे नहीं तो फिलहाल बिल्कुल अंडे नहीं थे, तो अभी ये केज फ्री ले लिए। कभी केज फ्री लेती हूँ, कभी वो लेती हूँ। ये 4 क्यूकम्बर, स्ट्रॉबेरीज, रेड ग्रेप्स, कभी ग्रीन ग्रेप्स कभी रेड ग्रेप्स। ये किचन की ये साइड में जो रखते हैं स्पंज की, ये ख़त्म हो गई थी। बटर, चॉकलेट 2 निकाल के बच्चों ने ले भी ली है। केले, ये मैट था, ये एक साइड टेबल है उसमें मैं रखती हूँ, तो मैंने भूल लिया था। ये एक बाथरूम की जो है सीट ख़राब हो गई थी, मुझे कुछ ख़राब ख़राब सी लग रही थी उसके, यहाँ से कोई ख़राबी हो गई थी उसके, तो ये मैंने ले, ऑफ़र में लगी भी थी। ये मैं इस्तेमाल करती हूँ वॉशिंग डिटर्जेंट, लिक्विड में है ये। ये एयर फ्रेशनर गिलेट का मैं यूज़ करती हूँ, एक दफ़ा लेवेंडर में लिया है मैंने, मुख्तलिफ लेती रहती हूँ। तो जी ये मेरी मिनी सी ग्रोसरी है फ़िलहाल। ठीक है जी, तो जी मैं अब निकली हूँ घर से, मुझे छोटे मोटे काम है, अपने डॉक्टर के पास भी जाना है, और वापसी में ये आलू प्याज सारे मिर्चें, ये इसके लिए फ्रेश वर्ल्ड जाना है। तो जी आप भी चले मेरे साथ, देखें चल के पहले जाते हैं डॉक्टर पे, मेरी डिवाइस है जो वापस करनी है डॉक्टर को। ठीक है जी, फिर उसके बाद निकलते हैं फ्रेश वर्ल्ड पे। फ़िश के सेक्शन में आई, कोई फ़िश लेने तो फ़िश कुछ समझ में नहीं आई, फ्रेश फ़िश है मुझे लगी नहीं, और जो फ़िश मुझे चाहिए थी वो थी भी नहीं, तो फिर मैंने फ़िश को लेने का इरादा कैंसिल किया, आगे की तरफ बढ़ गई।
जनाब, मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट स्टोर पे, हॉबी लॉबी। मुझे बहुत पसंद है, यहाँ आके तो मैं खो जाती हूँ। मेरा बस नहीं चलता किसी भी आइल में जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं वो सब ले लूँ। मुझे बहुत ये स्टोर पसंद है, यहाँ पे ऑफ़र भी लगी हुई थी, इधर है ना सेलें भी लगी हुई थी, आजकल स्प्रिंग सेलें लगी हुई हैं, तो मैं कहा चलो चल के चेक कर लिया जाए। मुझे एंट्री वे के लिए कुछ चाहिए, मुझे रक भी चाहिए, काफ़ी चीज़ें मुझे चाहिए हैं। मैं कहा चलो जी फिर यहाँ भी देख लिया जाए। बिलीव मी, इधर आके ना बस बंदा खो जाता है। यहाँ पे कपड़ा भी मिलता है, मिक्स एंड मैच भी एक कॉटन के पड़े हुए थे, और मुझे कर्टन भी चाहिए था, लेकिन कर्टन मैं जैसा चाहती हूँ वैसे मुझे अमेज़ोन पे और वैसे नहीं मिल रहा। ये देखिए ये मल्टी कलर्स इस टाइप के ना मुझे लॉन्च के नहीं है, ऐसे पर्दे चाहिए। तो मैं कपड़ा देख रही थी कि खुद ही सी लूँ, और मुझे इस तरह जैसे मल्टी कलर में जैसे मैं रग चाह रही हूँ तो रग भी मिल जाए और कोई कपड़ा भी मिल जाए, लेकिन इसमें भी मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली क्योंकि मैं ढूंढती ही रह गई, मुझे मिला कुछ नहीं। तुम्हें चमर सुवासी को कथा बेबंग आजी मालू विंदरो नानारी मोटन के दासां चोरो नमा ये है 1 kg चिकन, ठीक है जी, बोनलेस थाई 1 kg। जी जनाब, ये सारी सॉसें कर दें मिक्स, और सॉसें मिक्स करने से पहले इसका नमक चेक कर लें, क्योंकि सॉसों में अपना ही बहुत नमक होता है, तो कभी कम ज़्यादा होता है अपने टेस्ट के हिसाब से। पहले सॉसों को मिक्स कर दें फिर नमक चेक करें। मुझे नमक डालना पड़ा था, 1 teaspoon डालना पड़ा था, इससे ज़्यादा नहीं, कभी डालना पड़ता है कभी नहीं डालना पड़ता, ठीक है जी। इनको ऐसे करके मिक्स कर दें, मिक्स करके इसको रख दें आप 2 घंटे के लिए, रेफ्रिजरेट कर दें, ओवरनाइट कर दें। और मैं ये करना भूल गई थी, तो मिक्स करने का मुझे याद आया कि इसको ऐसे हैमर, किसी भी किस्म का हैमर, बेलन, कुछ भी लेकर इसको मुर्गी को पटक पटका दे, तोड़ दे इसको बेचारी को अच्छी तरह, इसका तिया पाचा कर दे ताकि फ्लैट हो जाए, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, अंदर तक मसाले चले जाते हैं, ठीक है, तो वो ज़रूरी होता है, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। अब मैं इसको कर दूँगी मिक्स और रख दूँगी 2 घंटे के लिए, फिर रात में इसको डिनर के लिए निकालूँगी जब मेरा डिनर। तो जी ये मेरे पास है ग्रिलर, ठीक है, मैं इसमें अपने स्टेक ग्रिल करूँगी। आपके पास जो भी चीज़ है, जैसे पैन है, फ्राई पैन है, तवे पे, किसी भी चीज़ पे आप इसको सेक सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। मेरे पास ये ग्रिलर है, तो मैं इस पे करूँगी अपना चिकन स्टेक को, ठीक है जी। अब मैं इसको करती हूँ गरम, ये पावर, और 400 पे मैं इसको ग्रिल करूँगी, ठीक है जी।
ये 400 पे मैंने इसको कर दिया है, ये हो रहा है गरम। फिर उसके बाद इस पे करेंगे ये इसका स्प्रे हल्का सा, और इसमें अपने पीस डालेंगे। तो जी ये मेरा ग्रिलर मैंने 400 पे जब गरम हो गया तो मैंने इसको वापस माइनस करके 300 पे किया है ताकि अच्छी तरह पके। अब मैंने इसको 300 पे कर दिया है गरम करके एक दफ़ा। अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल का स्प्रे और इसमें डाल दूँगी अपने पीस। ठीक है जी, ये मेरे पीस हो रहे हैं। पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड बदल दूंगी। अब जी इसके ऊपर भी कर दूंगी हल्का सा स्प्रे। ठीक है, बस ये स्प्रे इनफ है एक साइड पर, दूसरी का साइड पे। अब इसको कर देंगे पलट। ये देखो अब ये दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक है, ये एक साइड से तो देखे अच्छा कलर आ गया। अब ये दोनों साइड से कलर आ गया। ठीक है, ऊपर से जो स्टेक का जो ग्रिलर का कलर होता है और ये अच्छे से सीख गया। अब मैं इसको कर दूंगी इसकी लिड को बंद। ठीक है, और इसको 8 मिनट एक साइड, 8 मिनट दूसरी साइड। ठीक है, 16 मिनट हुए दोनों साइडों पे। अब मैं इसको थोड़ा माइनस कर दूंगी, ये देखिए जी, ताकि हल्की आँख पर थोड़ा ये माइनस है, हीट को माइनस कर दूँगी 200 पे। ठीक है जी, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह गल जाए। तो थोड़ी बहुत कसर है, थाई पीस है, क्योंकि थाई पीस जरा अंदर तक गल जाए तो फिर मैं इसको आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। अभी मैंने इसको हल्की आँख पे रख दिया है ताकि अंदर से भी ये सिक जाए, अंदर तक ये टेंडर हो जाए। ये देखिए जी, मेरा स्टेक हो गए हैं ज़बरदस्त से तैयार। ठीक है जी, जूसी एकदम अंदर से टेंडर। ठीक है जी, ये हो गए बिल्कुल रेडी। ये देखिए जी, मेरी प्लेट हो गई है तैयार। ये मेरी नहीं, मेरे बेटे की प्लेट है, वो करेगा पराठे के साथ खाना इसको। तो उसका स्टेक, पराठा, रायता, उसको सलाद नहीं चाहिए थी, मैं सादी चपाती के साथ लूँगी। ये हो गया, और रायते में जो है लहसुन है। ठीक है जी, लहसुन, क्रश रेड चिल्ली पेपर, और ज़ीरा, भुना ज़ीरा है, और नमक है। बस उसको मिक्स करके ये हमारा रात का डिनर है सादा सा। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा, मेरे व्लॉग को आपने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही मैं आपको कर लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।